This news is sponsored by Hira Banquet Hall, fully air conditioned at Shalibanda, Hyderabad. PV Narasimha Rao daughter Professor Vani appeals to Muslim to vote for her in the upcoming MLC election. She is the TRS MLA candidate. Home Minister Mehmood Ali praised about the work for Professor Vani and requests to public to give the vote for her. Reported by senior reporter Imran Khan and Shaukat. Home Minister of the Assad of Telangana. Ali Janab, MLC. We have to vote for people. This is a big task. Why do you want to vote for Vani Devi? Because it starts from there. But my fault is that Vani Devi is all known. Many children have studied. And I can proudly say to my brothers, Muslim brothers, that we बहुत अच्छा मौका मिलता है। लाइट में लाइट में लाइट में आइए। दो मिनट में तुम आइए। बोलिए स्टार्ट बोलिए स्टार्ट मत। नमस्कार గ్రాడ్యుయేట్ పదపద్రం కొంచెం జరుగుతాం మా తల్లి వేసి ఈ నెల 14న జరగబోయే ఎన్నికల్లో ప్రధాన ప్రాధాన్యత ఓటు వేసి గెలిపించాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సబ్ భాయి బహనకు ముస్లిం భాయి బహనకు రిక్వెస్ట్ కర్తే ఏ సార్ ఏ మహీనే 14th మార్చి కు జో ఎలక్షన్స్ కూడా ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ ఇస్మే మేజర్ ముజే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మే ఓట్ కర్కే ముజే బతాయే థాంక్యూ సో మచ్ हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर के लिए जो एमएलसी इलेक्शन हो रहे हैं उसमें हमारी पार्टी की तरफ से वानी देवी मैडम को टिकट दिया गया और ये बहुत प्रोफेसर है और इन्होंने जब से और बड़े खानदान के पीवी नरसिम्हा राव जो उनके फादर है उस जमाने से भी वो कभी भी पॉलिटिक्स में कहीं नहीं दखल दिया उनका मकसद एक ही था लोगों को क्योंकि एजुकेशन में कोई भेदभाव सभी लोगों के काम की और बहुत अच्छी कैंडिडेट है हमारी पार्टी टीआरएस पार्टी तो आपको ही जानता है इंडिया में नंबर वन सेकुलर पार्टी और डेवलपमेंट में भी हमारे सीएम साहब ने जो तेलंगाना को डेवलप किया है तेलंगाना बनने के बाद हिंदुस्तान में किसी स्टेट में वो डेवलपमेंट नहीं आया और मैं तमाम मेरे भाइयों से जो ग्रेजुएट्स हैं सब एनरोल करा चुके हैं मैं उन तमाम से अपील करता हूँ कि आपका वोट वानी देवी के हक में होना चाहिए जो टीआरएस के कैंडिडेट हैं उनके हाथ मजबूत उनको वोट डालेंगे तो केसीआर साहब के हाथ मजबूत होंगे और हमारी स्टेट काफ़ी तरक्की करेगी लोग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और कोई कुछ नहीं किया हमारी स्टेट के लिए हमारे स्टेट के लिए करने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब है चाहे किसी शोबे हाथ में हमारी स्टेट जो डेवलप हुई उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती हर तरीके से चाहे एजुकेशन हो एम्प्लॉयमेंट की बात बात जगह फैल भी उड़ा रहे हैं 1,32,000 एम्प्लॉयमेंट दिए गए हैं 6-7 साल के अंदर अभी और भी काफ़ी एम्प्लॉयमेंट निकल रहे हैं और इंडस्ट्रीज पॉलिसी की वजह से लाखों को लोगों की काम मिला मैं तमाम मेरे भाइयों खासतौर से मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों से भी SC ST BC और तमाम मेरे अदर अपर कम्युनिटी भाइयों को भी मैं ज़्यादा बहुत गुजारिश करता हूँ कि हमारा एक वोट भी किसी पार्टी को नहीं जाना चाहिए पूरे के पूरे वोट हमारे श्रीमती वानी देवी का होना चाहिए सर एक क्वेश्चन बन रहा है गोल्डन पोजीशन कह रही है कि सिल्वर का है सिल्वर नहीं है गोल्डन है गोल्डन है डायमंड से लगाना है ये अपोजिशन का कहना था वही काम रहता और सर एक लास्ट क्वेश्चन था सर प्लीज इफ यू डोंट माइंड ये आजकल जैसा पेट्रोल के लिए पब्लिक बहुत परेशान है जो ऑब्जेक्शन उठा रही है जिन जिम्मेदार है उन्हीं जिम्मेदार है उसके लिए हमारे मुखर्जी ने आपको बताया हमारे पीएम साहब को हम बोलना नहीं चाहते क्या हुआ तेलंगाना हिंदुस्तान में आज़ाद होने के बाद से आज तक जो जिस तरीके से चला और ये 6 साल का दौर आपका कैलकुलेशन करके देख लीजिए हर चीज़ महंगी गैस सिलेंडर 2014 में 400 रुपये था आज 880 रुपये हो चुका है पेट्रोल जब दो कितना था 60-65 रुपये था 800 रुपये पूरे वर्ल्ड में अगर पेट्रोल सबसे महंगा है तो हमारे हिंदुस्तान में हमारे बड़ों रियासत बांग्लादेश श्रीलंका से भी बहुत ज़्यादा है डबल रेट हमारे पास दिया जा रहा है बहुत नाइंसाफ़ी थैंक यू